Good morning students, I hope you all are healthy and healthy. So student, today I am going to continue our chapter number 4, visit to Taj Mahal. Previous video में हमने पढ़ा था कि एक स्कूल का ट्रिप है जो बच्चों को कहाँ ले जा रहा है, आगरा ले जा रहा है, ठीक है? और जो वहाँ के टीचर है उन्होंने बच्चों को अभी इतनी इन्फॉर्मेशन दी थी कि आगरा जो है वो उत्तर प्रदेश का है, एक सिटी है, ठीक है? उत्तर प्रदेश स्टेट की एक सिटी है और यहाँ पर बहुत सारे मुग़ल एम्परर्स मतलब सम्राटों ने राज किया है, रूल किया है। उसमें से एक फेमस एम्परर कौन थे? शाहजहां थे, जो अपनी वाइफ मुमताज़ महल से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने उनकी मेमोरी के लिए क्या बनवाया था बेटा? ताजमहल बनवाया था, एक मकबरा बनाया था जिसका नाम ताजमहल है। सो आगे एक बच्चा है जोसेफ, उसने क्या क्वेश्चन किया है कि क्या स्पेशल बात है इस आगरा में के ताजमहल में। तो आज हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे कि कौन सी ऐसी स्पेशल बात है इस ताजमहल में, ठीक है? सो ओपन योर बुक एंड स्टार्ट विथ मी। सो स्टूडेंट, टीचर बताते हैं ताजमहल इज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द 7 मॉडर्न वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ताजमहल क्या है? दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। तो ऋषि बोलती है, आर देयर एनी अदर प्लेसेस इन आगरा वर्थ सींग सर? वो बोलती है कि आ सर, आगरा की में और ऐसी प्लेसेस है, ऐसी जगह है जो देखने लायक है। सो स्टूडेंट्स, टीचर रिप्लाई करते हैं ऋषि की बात पर, बिसाइड्स ताजमहल वी कैन सी दयाल बाग इन आगरा, नियर आगरा इज फतेहपुर सीकरी, हियर वी कैन सी द फेमस पंचमहल। स्टूडेंट्स, ताजमहल के पीछे ही क्या है? दयाल बाग है, ठीक है? और आगरा के पास में ही फतेहपुर सीकरी है, वहाँ पर क्या है? फेमस पंचमहल है, देखने लायक, ठीक है? और टीचर कहते हैं, स्टूडेंट्स वी हैव रीच्ड द ताजमहल। हम स्टूडेंट्स ताजमहल पहुँच गए हैं, वी रीच्ड द ताज, हम ताज पहुँच गए हैं। आई विल टेक यू इनसाइड, बी केयरफुल, डू नॉट डिस्पर्स। सर बोलते हैं कि मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगा, कहाँ? ताजमहल के। तुम लोग ध्यान से अलग अलग मत होना, डिस्पर्स मतलब कि बच्चे बिखर जाते हैं एकदम उतरने के बाद, कभी इधर कभी उधर, तो टीचर के लिए हैक्टिक हो जाएगा उनको संभालना। इसलिए वो बोलते हैं कि आप मेरे साथ ही रहना, मैं आपको अंदर लेकर जाऊंगा। ओमी, एक और स्टूडेंट है ओमी, वो कहता है, सर बट आई डू नॉट सी एनी टॉम हियर। वो बोलता है कि पर सर, आपने तो कहा था कोई टॉम होगी, कोई कब्र वगैरह होगी, पर मुझे तो यहाँ पर कोई टॉम नहीं दिखाई दे रही है, कोई कब्र नहीं दिखाई दे रही है। रूबिका कहती है, टॉम इज इनसाइड। टॉम कहाँ है? ताजमहल के अंदर है, ऐसे वो बोलती है। तो टीचर कहते हैं, यस वी विल गो दिस वे टू द टॉम, फॉलो मी यू ऑल सी दिस इज द फेमस ताजमहल। वो बोलते हैं, टीचर हाँ, टॉम कहाँ है? इनसाइड है, कहाँ? ताजमहल के। तुम सभी अभी हम उसी तरफ जा रहे हैं, ताजमहल के अंदर वाली साइड, तो तुम लोग सभी मेरा पीछे पीछे चलो, ये देखो ये फेमस ताजमहल है। वो ऐसे करके बाकी के स्टूडेंट्स को बताते हैं। नाउ स्टूडेंट्स कम ऑन द पेज नंबर 29। जोसेफ, वाओ इट्स अ स्प्लेंडिड, मतलब कि ये कितना प्रभावशाली है। माला कहती है, इट्स अ ग्रैंड, ये बहुत विशाल बड़ा है। ओमी बोलता है, इट्स अ सुपर, ये बहुत शानदार है। टीचर कहते हैं, यस इजंट इट ब्रिलियंट, ये बहुत, वो बोलते हैं टीचर कि ये क्यों, क्या ये बहुत प्रभावशाली नहीं है? ऐसा कौन कहते हैं? टीचर बोलते हैं। स्टूडेंट्स
यस सर। और स्टूडेंट्स सारे क्या कहते हैं, जैसे ही टीचर पूछते हैं क्या ये प्रभावशाली नहीं है, तो स्टूडेंट्स बोलते हैं यस सर हाँ है। डेविड बोलता है, डेविड भी एक स्टूडेंट है, सर इट हैज़ टू पिलर्स इन फ्रंट ऑफ इट, इसके दो पिलर है किधर की साइड, सामने की साइड। टीचर कहते हैं यस एंड इट हैज़ टू पिलर्स बिहाइंड इट एज वेल, वो बोलते हैं कि जैसे कि इसके दो पिलर्स आगे की साइड है, वैसे के वैसे ही दो पिलर्स इसके बिहाइंड मतलब पीछे की साइड है। ओमी बोलता है फ्रॉम हियर वी कैन नॉट सी द अदर टू पिलर्स, पर सर वो कहता है पर यहाँ से हम उन दो पिलर्स को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 30। रूबी का ये भी एक स्टूडेंट है। ओके स्टूडेंट्स, वी कैन सी देम व्हेन वी रीच नियरर, वो कहती है रूबिका कि जब हम इसके पास जाएंगे, नियर मतलब और पास जाएंगे, पास जाना ठीक है, पास के लिए हम बोलते हैं नियर, तो नियरर मतलब जब हम इसके और पास जाएंगे तब हम सारी चीज़ों को अच्छे से देख पाएंगे। रेखा बोलती है रूबिका यू नो अ लॉट अबाउट द ताज, रेखा बोलती है कि रूबिका तुम बहुत ज़्यादा नहीं जानती हो ताज के बारे में। रूबिका बोलती है, रूबिका यस आई हैव बीन टू द ताज वंस बिफोर, मैं रूबिका बोलती है कि हाँ मैं यहाँ पर इससे पहले भी आई हूँ, ताज में पहले भी आई हूँ। जोसेफ बोलता है हु ब्रॉट यू हियर बिफोर, तुम्हें यहाँ इससे पहले कौन लाया था, रूबिका बोलती है आई कैम अलॉन्ग विथ माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर पहले भी आई हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स इसके बाकी की जो स्टोरी है मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको अभी तक के एक्सप्लेनेशन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके थैंक यू।